गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरविंदर सिंह मान, पीजीटी कॉमर्स, विद्या आश्रम पब्लिक स्कूल। टुडे वी विल टेक ऑन चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक्स क्लास 12th कॉमर्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर फाइनेंस एट द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, सरदार मनमोहन सिंह जी। नाउ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1991 कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट एज फार एज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री इज कंसर्न। सो एट दैट टाइम द लोकल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रिंग अ न्यू फाइनेंस बिल फॉर टू कंट्रोल द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। And it was introduced, economic policy was introduced in the month of July 1991. इतनी पुरानी बात है ये। उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी और उस समय पीवी नरसिम्हा रॉय की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कहा था और फाइनेंस बिल भी रखा था, इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, रिफॉर्म्स हुए थे उस समय। तो टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रिक्वायर्ड एंड इट वॉज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। नाउ फर्स्ट व्हाट वॉज द प्रॉब्लम्स, वेयर वर द रिफॉर्म्स नीडेड, किस तरह के रिफॉर्म्स नीडेड था। फर्स्ट द फिजिकल डिफिसिट द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। और हम लोग फाइनेंस के लिए लोन ले रहे थे, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स एंड वर्ल्ड बैंक। ये स्थिति थी हमारी उस समय। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारे बहुत ज़्यादा थे, फ्लड विक्टिम्स हैं, उसके बाद नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इतना हैवी था। Now, development policy is required to meet the challenges of unemployment, poverty and population explosion at that time. इसलिए भी economic reforms ज़रूरी थे to gear up the additional revenue in this country and to control the government expenditure and to have a balance, proper balance between द सोशल एक्सपेंडिचर एंड द डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो इतना सारा दिक्कतें थी हमारी उस समय। ड्यू टू द परसिस्टेंस राइज इन द फिजिकल डिफिसिट द गवर्नमेंट वॉज नॉट इन द पोजिशन इवन टू पे द डेट्स एंड द लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। उस समय सरकार का जो ऋण जाल था, जो ऋण देना था, इंटरेस्ट देना था, वो इतना ज़्यादा था कि उस समय सरकार ऋण और इंटरेस्ट को नहीं चुका पा रही थी। इस वजह से भी रिफॉर्म्स की जरूरत थी। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द आउटफ्लो एक्सचेंज। एडवर्स बैलेंस पेमेंट, हमारा इंपोर्ट तो ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था, इस वजह से हमारा जो बैलेंस था वो बहुत एडवर्स था। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने थे, हमारी क्वालिटी को ठीक करना था, हमें इंपोर्ट्स को रोकने के लिए टैरिफ सिस्टम और कोटा सिस्टम लेके आए। नाउ द थर्ड इज फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन 1991 द सिचुएशन वॉज जेपरडाइज एंड वेरी क्रिटिकल। एट दैट टाइम द फॉरेन करेंसी वॉज नॉट मच इन द रिजर्व्स, द सिक्योरिटीज वर नॉट मच इन द रिजर्व्स। So government was forced to bring the economic reforms at that time. The reserve declined at the level that Indian government was not in the position even to debts, to pay the debts more than 2 weeks. दो सप्ताह तक कभी पैसा देने की हिम्मत नहीं थी और international money lenders हमारे पीछे थे, हमसे पैसा मांग रहे थे। और इराक गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का डेबिट नोट हमारे पास था। नाउ फोर्थ द राइज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन
और उस समय एक और मुसीबत हमारे सामने थी, महंगाई दर बढ़ रही थी, जनरल प्राइस लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, सरकार इसको संभाल नहीं पा रही थी, एंड द रीज़न वॉज डिफिसिट फाइनेंसिंग। हम नोट छापते रहे, नोट छाप रहे थे सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए, एंड इट लीड्स टू द मोर सप्लाई ऑफ द करेंसी इन द इंडियन इकोनॉमी। जो रेट था वो इन्फ्लेशन का वो 16.7 था 1991 में, एंड इट वॉज टू मच। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो स्थिति थी, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। पब्लिक सेक्टर PSUs जो थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत वीक थी, वो हमें मुनाफा नहीं दे रहे थे, उनको हमें जानबूझकर ऑपरेशन में लाना था ताकि सरकार जो है वो मेंटेन रख सके, पब्लिक के रोजगार को मेंटेन रख सके। एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्विच ओवर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू द ह्यूज लॉसेस इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। द ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 1990। हमारे पास इनफिशियंट मैनेजमेंट था, हम उसका कंट्रोलिंग सिस्टम उनका अच्छा नहीं था, इसलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा था PSUs में, पब्लिक सेक्टर्स में, जॉइंट सेक्टर में। डिफेक्टिव पॉलिसीज थी, इस वजह से हमारा जो ग्रोथ था वो डिक्लाइन हो रहा था, इस वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ रिफॉर्म्स की जरूरत थी। नाउ व्हाट अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया अप्रोच इंटरनेशनल बैंक एंड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड टू रिसीव द $7 million टू अवॉइड द क्राइसिस। दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन द इकोनॉमी एंड टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। और उस एवज में इंटरनेशनल जो बिरादरी है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उन्होंने कहा भारत को कि ये सब रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएं, इंडियन मार्केट को विदेशों के लिए खोल दिया जाए, MNCs के लिए खोल दिया जाए, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव किया जाए ताकि MNCs जो हैं वो इंडियन मार्केट में अपना काम कर सकें। यही मौका था हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का। द इंडिया एग्रीड ऑल द कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और हिंदुस्तान की सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक की सारी शर्तें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की सारी शर्तें मान ली गई, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इस बात का सबूत है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आड़ में वर्ल्ड की जितनी भी एजेंसीज हैं उनके सामने घुटने टेक दिए। हमने पॉलिसीज को चेंज किया, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट का रास्ता अपनाया, MNCs को इंडियन मार्केट में काम करने का मौका दिया। नाउ व्हाट हैपेंड इन द ऑर्डर टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वॉज फ्रेम्ड। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो था वो था स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जो इस करेक्ट द वीकनेस दैट डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेंटेनिंग द सफिशिएंट रिजर्व्स। और हमारा जो सबसे पहला ध्यान था स्टेबिलिटी के लिए कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करें और प्राइस को कंट्रोल कर सकें, ये हमारे हाइलाइटिंग फीचर्स थे इस पॉलिसी के। इम्प्रूविंग द इफिशियंसी, फाइटिंग विद द MNCs वर्ल्ड मार्केट में, हमारी कंपनियों को, डोमेस्टिक कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बनाना, मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाना, रिजर्व, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाना और प्राइसेस को कंट्रोल करना, ये हमारे चीफ फीचर्स थे। नाउ देर आर द थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Now, first, the liberalization. As discussed in this chapter, the rules and regulations which aimed at the regulating the economic activities become the major hindrance in the growth and development. जो पुराने जो rules और regulations थे वो भारत की आर्थिक क्रियाओं के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करते थे, इसलिए liberalization, यानी कि हमने स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता अपनाया, एंड द रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन पुट टू एंड।
हमने जितनी भी जो प्रतिबद्धताएं थी जो हमने वर्ल्ड बैंक को किया था कि हम सारे के सारे प्रतिबंध हटा देंगे, हम रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे और हम नए सिरे से काम करेंगे और हम नए रूल्स लेके आएंगे आर्थिक प्रगति के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नाउ सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने क्या रिफॉर्म्स किए हैं सरदार मनमोहन सिंह जी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनके नेतृत्व में। सबसे पहले एबोलिजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सबसे पहले सरदार साहब ने ये कहा संसद में कि भाई इंडस्ट्रीज इसलिए तरक्की नहीं कर पाती है क्योंकि वो लाइसेंस लेने में ही इतनी दिक्कतें आती हैं। तो द प्रमोश द गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्टार्ट द फर्म एंड क्लोज द फर्म एंड टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। 1991 से पहले लाइसेंस लेने में इतनी दिक्कतें आती थी कंपनी को, तो गवर्नमेंट ने ये नज़रिया पेश किया कि भाई आप हम लाइसेंसिंग सिस्टम को सिंपल बनाएंगे। द लाइसेंसिंग वॉज एबोलिस्ड, द सिंपल रूल्स हैज टेकन प्लेस, स्ट्रैटेजी हैज बीन चेंज्ड एंड ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट ऑल द प्रोडक्ट्स द अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबोलिस्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर से लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, केमिकल्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, एरोस्पेस हैं, ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया ताकि लोग आगे आएं स्टार्टअप के लिए, नई नई इंडस्ट्रीज लगाएं और लाइसेंस के चक्कर में ना पड़ें। डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने 1991 में यह तय किया कि प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन द मैनी इंडस्ट्रीज एंड द मेजर कंट्रोल वॉज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, बट इट वॉज फेल्ट बाय द गवर्नमेंट दैट वी हैव टू चेंज द पॉलिसी दिस टाइम। हमें प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना होगा, पब्लिक सेक्टर को रोल को कम करना होगा, और यही निर्णय लिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू वेलकम द प्राइवेट सेक्टर इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड टू ओपन द मार्केट फॉर द प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट डिफेंस इक्विपमेंट एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1991 में क्या था, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1991 से पहले गुड्स जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ही बनाने का अधिकार था, बट नाउ मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा गुड्स बनाने की परमिशन दी गई। सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स थे डिरिजर्व्ड कर दिए गए। लोगों को कहा गया आप आइए आगे इंडस्ट्रीज डालिए, इन प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हैं। और जो लिमिट थी प्लांट और मशीनरी की वो 1 करोड़ से को हटाकर 5 करोड़ कर दी गई। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द मार्केट फोर्सेस 1991 से पहले होता था कि जो कंट्रोल था प्राइस का वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट के हाथ में था, बट नाउ द मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस। अब मार्केट में बिल्कुल फ्री मार्केट सिस्टम हो गया है, डिमांड और सप्लाई जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है प्राइस, अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा क्योंकि हमने इसे प्राइवेटाइज कर दिया है, फ्री मार्केट सिस्टम आ गया। इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। प्रायर टू 1991 देयर वॉज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स। भाई 1991 से पहले गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस था कि आप कई चीज़ों पर आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इम्पोर्ट्स के लिए फ्रीडम दिया गया, टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए जगह दी गई, द बिजनेसमैन एंड द प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड टू परचेज द टेक्नोलॉजी एंड एथिकल गाइडेंस फ्रॉम द फॉरेन एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव their quality of the products and to compete with the multinational companies in the open market system. Now the next one is financial sector reforms. Financial sector includes the financial institutions such as commercial bank, investment banks, stock exchange and foreign market. ये सब इसके components हैं।
दिस सेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. पहले आरबीआई का बहुत ज्यादा कंट्रोल था. द आरबीआई डिसाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ द मनी दैट द बैंक कैन कीप देमसेल्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नेचर ऑफ लेंडिंग द वेरियस सेक्टर. अब आरबीआई ने भी ओपन मार्केट सिस्टम के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए. कौन कौन से वो मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं. प्रायर टू 1991 द आरबीआई रोल वाज रेगुलेटर. सब कुछ आरबीआई के अधिकार में था, इंटरेस्ट रेट फिक्स करना, ऑल्सो द कमर्शियल बैंक्स. नाउ इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द मेन मेजर एम वाज द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स दैट द आरबीआई फ्रॉम द रेगुलेटर बिकम द फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. अब फाइनेंशियल सेक्टर का फैसिलिटेटर के रूप में आरबीआई काम करता है, रेगुलेटर के रूप में नहीं. कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, कई सारे. और प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि अब आप अपने रूल्स बनाएंगे. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स, एक और बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में आया. 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड टू ओपन द बैंक, बट इन द रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एज फार एज द इकोनॉमिक सेक्टर इज फाइनेंशियल सेक्टर इज कंसर्न, द प्राइवेट बैंक्स आर अलाउड टू ओपन देयर बैंक्स देयर ब्रांचेज इन दिस कंट्री. नाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन प्रायर टू 1991 द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट वॉज रिस्ट्रिक्टेड. फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता था 1991 में, लेकिन इस बिल के आ जाने के बाद द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बैंक वॉज रेज्ड अराउंड 50% तक कर दिया गया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई. अब फॉरेनर्स को कहा गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सेटिंग अप द न्यू ब्रांचेस. 1991 से पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती थी किसी भी बैंक की शाखा को खोलने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अनुसार अब द फुलफिल द सर्टेन कंडीशंस देयर इज अ फ्रीडम फॉर ऑल द बैंक्स टू ओपन द ब्रांचेस इन दिस कंट्री एंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.